मध्य प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत साथ सरकार बनाने की ओर अग्रसर है, वहीं पर यदि बात की जाए कांग्रेस की तो विंध्य क्षेत्र में कांग्रेस के लिए कुछ ही सीटें ऐसी हैं जहां से कांग्रेस के लिए खुशी की खबर है। जहां पर सिमरिया विधानसभा सीट में अभय मिश्रा लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। सतना जिले की बात की जाए तो अमर पाटन विधानसभा सीट एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां पर सबकी निगाहें टिकी थी, क्योंकि यहां से पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह थे मैदान में और मंत्री राम खिलावन पटेल थे। तो आपको बता दें यहां पर राजेंद्र सिंह लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और अमर पाटन विधानसभा सीट से राम खिलावन पटेल राजेंद्र सिंह से 4000 वोटों के करीब पीछे चल रहे हैं। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर है जहां से राजेंद्र सिंह आगे बढ़त बनाए हुए अमर पाटन विधानसभा सीट से, वहीं कांग्रेस के लिए चुराहट विधानसभा सीट जो कि एक सुखद खबर हो सकती है। चुराहट विधानसभा सीट से अजय सिंह राहुल कांग्रेस से लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं पर नीलांशु चतुर्वेदी जो कि चित्रकूट विधानसभा सीट से आते हैं, कांग्रेस से उनकी भी बढ़त बनी हुई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो जो महत्वपूर्ण सीटें कांग्रेस की निगाहें टिकट थी वहां से खुशी की खबर है, जहां से अमर पाटन विधानसभा सीट में राजेंद्र सिंह दादा भाई आगे चल रहे हैं। विधानसभा सीट अमर पाटन से राम खिलावन पटेल पीछे है, काफी लंबा अंतराल है यहां से। और सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू जो कि सतना विधानसभा सीट से गणेश सिंह को पीछे छोड़ते हुए लगातार आगे बढ़त बनाए हुए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इनके जीत का अंतर कहां पर जाकर रुकता है। हम आपको हर एक विधानसभा सीट के हर एक अपडेट देते रहेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल ग्रैंड 24 न्यूज में आपको सभी विधानसभा सीटों का हर एक चरण का अपडेट मिल जाएगा। देखना ना भूलें हमारे साथ।